अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सैयद नदीम शिराजी हेयर। यहाँ पे स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से हम इस वीडियो को बेसिकली इसका पर्पस ये है कि आज जो CSS 2023 का पहला पेपर हुआ है, जो कि मेजर पेपर समझा जाता है इंग्लिश का, पेपर वन पेपर टू, तो उस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सर गुलाम हुसैन साहब, अच्छा जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं PM10 से हैं, और साथ ही अनिस भट्टी साहब हैं, वो भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं PM11 से हैं, और सर CSS में भी एलोकेटेड थे बट ही एक्चुअली जॉइंड PMS सर्विस। तो दोनों ही इंग्लिश के जो मेंटोर्स, आज उनके ज़ुबान से ये जानते हैं कि बेसिकली काफ़ी ये रिमॉर्स भी हैं और ये मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं। एस्पायरेंट्स जो कि प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो ये समझते हैं कि इसको किस तरह से जो है ना वो प्रिपेयर किया जाए, तो एकेडमीज़ भी अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही होती हैं इसके ऊपर। तो दोनों रिनाउंड मेंटोर्स की ज़ुबानी जानते हैं कि सर गुलाम हुसैन साहब से पहले मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि आज का जो पेपर है वो इजी है, मुश्किल है, कैसा है? व्हाट्स योर टेक अपॉन सर, जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स इट? आया है अबाउट एसए पेपर, वो ये है कि बड़ा टफ पेपर आया है, आउट ऑफ द सिलेबस, जैसे कहते हैं ना बच्चे, आउट ऑफ द सिलेबस आया है, आउट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस आया है। और जो टॉपिक एकेडमीज ने या टीचर्स ने कवर करवाए थे, या जो जिस एंगल से उन्होंने तैयार किया था, उस एंगल से पेपर नहीं आया। अच्छा, हमेशा आप FPSC के पेपर को, आप पास पेपर्स को आप देखें ना, उसकी डायमेंशन, तो वो हर साल कुछ ना कुछ डायमेंशन चेंज करता है। ठीक है, इस दफा उसने डायमेंशन ये की है कि उसने कुछ कोट्स उठाई हैं, वो अनस इसको एक्सप्लेन करेगा सही तरह से। उसने कुछ कोट्स उठाई हैं और उनके पीछे एक थीम है जी ठीक है, उसके पीछे एक थीम है। अब ये एक एनालिटिकल और क्रिटिकल एनालिसिस वाला पेपर है। जिस बच्चे की एक्सटेंसिव रीडिंग है, जिस जो बच्चा रेगुलर रीडर है, मतलब आप ये ना कहें कि वो जो फॉर द टाइम बीइंग 2-3 माह की तैयारी करते हैं और कहते हैं कि हम पास हो हाँ जाएंगे जी और एलोकेशन भी हो जाएगी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 1.5 साल से 2 साल से लगातार किसी चीज की उसके पीछे लगे हुए और प्रॉपरली अपनी जनरल रीडिंग और बेसिक रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करके थेमेटिक लर्निंग कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ एकेडमिक का जो कल्चर है, बेसिकली नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह रिव्यूज आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि एकेडमीज जो है वो सर्टन पैटर्न पे चल रही होती हैं, जाहिर है एकेडमीज को एक सर्टन पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी है। जी अब वो बच्चों को ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया की किताबें पढ़ लें, जी उन्होंने एक पैटर्न रखना है, थीम समझाना है। अब ये बच्चे की अपनी एबिलिटी है कि वो उसको लेकर कैसे चलता जी है। जी तो मेरा ये व्यू है सर, पेपर कंपैरेटिवली बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं हुआ उस तरह से जिस तरह से होता है पहले। पहले खुल्लम खुल्ला बता दिया जाता है कि ये आपने लिखना है, अब थोड़ा सा ढका छुपाया है, स्टेटमेंट ऊपर और है, जी नीचे थीम और है। अब ये बच्चे जिस बच्चे ने ज्यादा पढ़ रखा है, अच्छा पढ़ रखा है, कोटेशंस को जानता है, कोटेशंस की जो पीछे बैकग्राउंड होता है उसको जानता है। मैं हमेशा अपने लेक्चर में, जो मेरे कंपोजिशन के बच्चे होते हैं, प्रेसी और कंपोजिशन के, प्रेसी का पैरा क्योंकि अनसीन होता है, इसी तरह ऐसे का टॉपिक भी अनसीन होता है, प्रेसी के लिए मैं बच्चों को हमेशा कहता था कि बेटा अखबार के जो एडिटोरियल्स हैं या आर्टिकल्स हैं ओपिनियंस के ऊपर, उसको भी समझा करें कि इसमें से भी आ सकता है। ठीक है, और आप देख लें कि कुछ बच्चे शेयर कर रहे हैं उसके सोशल मीडिया के ऊपर कि कुछ टाइटल्स जो हैं वो अखबारात में भी छपते रहे हैं, जी। ये अच्छा टाइटल्स सर, उसमें इसमें हैं। एक और चीज़ है कि ये एक रेडीमेड स्टफ़ जो स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स जो प्रिपेयर करते हैं, या फिर एक अप्रोच होती है कि जी आप ये सर्टेन टॉपिक्स कर लें तो इनफ होता है, तो आप इस पे क्या समझते हैं कि ये क्या वो CSS अब वो रेडीमेड स्टफ़ और स्पून फेडिंग और वो जस्ट एक जो एक पुरानी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, क्या उससे हटके नहीं है काफ़ी सालों से? देखिए सर, इसमें आप स्टार्ट से ले लें, डे वन, जब जब से हमने होश संभाला या हमने इस फील्ड को मतलब एज टारगेट लिया, मैं ये समझता हूँ कि जब जब मैं तो हर पेपर में कुछ ना कुछ डिफरेंस देख रहा हूँ, हर पेपर में कुछ ना कुछ नया होता है। अब आप ये कह रहे हैं कि जी रेडीमेड स्टफ जो अवेलेबल होता है मार्केट में, और जो FPSC की अप्रोच है वो उस रेडीमेड से हटके है, और उन्होंने इस दफा चैलेंज किया ऑर्थोडॉक्स टाइप की स्टीरियोटिपिकल जो लर्निंग है बच्चों की, उसको चैलेंज किया है कि भाई ये ना पढ़ो, इस तरह से बिल्कुल इस एंगल से ना तैयार करो।
अच्छा टॉपिक्स वही है, टॉपिक अभी अनस बताएगा जी जी, टॉपिक वही है मोर और लेस, लेकिन उसका जो टाइटल है वो उन्होंने चेंज कर दिया। अब ये बच्चे की अप्रोच है कि वो उसको किस तरह से लेता है। जी बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, आप क्योंकि आपके सामने है ये ऐसे के सारे टॉपिक्स, क्योंकि डोमेन्स सर्टन होती हैं डेफिनेटली, उन्हीं डोमेन से रिपीटेडली कोई ना कोई टॉपिक्स आ रहे होते हैं, तो अब उसमें वो कभी स्पेसिफिक कर देता है कभी जनरल छोड़ देता है, सो आप क्या समझते हैं कि ये क्रिएटिव वर्क है या जस्ट वही जो एक क्रैम्ड स्टफ जिसके पास है तो वो कामयाब होगा, तो यहाँ पे आपका क्या स्टैंस है? अच्छा सर, सबसे पहले तो इसमें ये है कि वो जो सर ने बात की कि स्टीरियोटिपिकल डेटा, उसको एफपीएससी अपनी एग्जामिनर रिपोर्ट में भी बार बार लिखता है, तो पहली चीज़ तो ये अंडरस्टैंड करनी कि जो पहले भी टॉपिक्स आते हैं उनको भी अप्रोच करने का तरीका यही था। हाँ जी, पहले अप्रोच गलत थी, अब थोड़ा एफपीएससी ने अप्रोच का भी बता दिया कि आपने ठीक करनी है। वो इस तरह से कि अब आप इसमें अगर टॉपिक्स देखते हैं, टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 8 बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया ऑनलाइन लर्निंग पे और टेक्नोलॉजी पे जो था, ये रिलेटिवली सिंपल प्लेन टॉपिक्स थे, लेकिन अगर आप इनके अलावा बॉयज विल बी बॉयज वाला जो जिसका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप है, ट्विटर ट्रेंड कर रहा है, अब उसमें भी अगर आप उसको जब आप उसकी डिग इन करते हैं तो वो बेसिकली आपका जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो आप मैस्कुलाइन कल्चर उसको वो क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो मैस्कुलाइन कल्चर है या पैट्रियार्कल माइंडसेट है ये सिर्फ फेमिनिज्म को नहीं इम्पीड कर रहा, ये वो बॉयज विल बी बॉयज वाली चीज में कि लड़का तो इस इमोशनलेस है तो रोना नहीं है, ठीक है, लड़का है तो ही हैज टू बी द ब्रेड अर्नर, तो ये सारी बातें। इसी तरह से जो टॉपिक नंबर 1 है ये हमारे स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से हमने फ्री वर्कशॉप कंडक्ट करवाई थी, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट और यूथ डेवलपमेंट पे मैंने बात की थी। ये बेसिकली वही कह रहा है कि आपने यूथ पे इन्वेस्ट करें, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करें तो उससे बेहतर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। तो अगर आप ये थीम्स अब 5-6 देख लें तो आमतौर पर 2021 का पेपर उठाएं, 22 का उठाएं, 20 का उठाएं, करने वाले टॉपिक सिर्फ 4-5 ही होते हैं जो मेजर आपकी पोलिटिकल सोशल डोमेन से आ रही होती है। और इवन देन स्टूडेंट्स के पास, एस्पायरेंट्स के पास ऑप्शन होती है कि वो इतने टॉपिक्स मतलब 10 टॉपिक्स में फिर भी कोई 2-3 ऐसे होते हैं जो जनरल होते हैं जो हर कोई कर सकता है, मतलब उसमें स्पेसिफिकली ये नहीं कि जो लोग मतलब जिन्होंने ये टॉपिक्स अंडरस्टैंड नहीं किए पर्टिकुलर तो इसके बाद उनके पास ऑप्शन नहीं है, इवन देन एफपीएससी ऑप्शन छोड़ता है। तो जी सर, इसमें सर जो अब टॉपिक नंबर 9 है वो बेसिकली टॉपिक नंबर 9 इज जेंडर इक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू आपका जो चाइल्ड की अपब्रिंगिंग है, उस कॉन्टेक्स्ट में वो जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल। अब हमने जेंडर इक्वालिटी आमतौर पर जो कॉन्टेक्स्ट या थीम्स तैयार करवाए जाते हैं वो इस तरह ही करवाए जाते हैं कि इट इज अ पॉपुलर स्लोगन या फिर वो मिथ रियलिटी वाली डिबेट में चले जाते हैं, लेकिन उसने जेंडर इक्वालिटी का बड़ा स्पेसिफिक डोमेन उठा ली। इसी तरह जैसे 21 में ग्लोबलाइजेशन आया था लेकिन उसने 22 के अंदर वही टॉपिक दे दिया ग्लोबलाइज्ड मार्केट्स का कॉन्सेप्ट, तो वो पूरी ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, वो उसने एक स्पेसिफिक स्टेप ले लिया। अब इसमें भी वो स्पेसिफिक हो गया। और बाकी जो ओरिजिन ऑफ द फ्रेजेस है उस पर मैं सर्च कर रहा था कि जो यूपीएससी का 2022 का पेपर है वो भी उनने अफ्रीकन प्रोवर्ब्स उठाई थी जो कि अपने अंदर एक सोशल नौयत की थी ना, तो इसी तरह से इसमें भी यही कि द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग इज अगेन, ये थोड़ा सा आप इसको टेररिज्म पे चले जाए, जिसको हम वायलेंस इज द लास्ट रिफ्यूजी ऑफ द इनकॉम्पिटेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स वाला, अब ये एनवायरमेंट का प्रोजेक्ट वो टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज होते रहे, ग्लोबल वार्मिंग होते रहे, उसने जाके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे स्पेसिफिक कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। तो ये देखिए सारे टॉपिक्स जो है, एक दो फिर उसमें वो भी है, आप फ्रेंड वॉक्स इन When everyone else walks out, ये थोड़ा सा आप क्या सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपकी क्रिएटिविटी डिमांड, ये भी प्योर लिटरेरी नहीं है, Fool speaks and the wise listens जी। तो ये सारे टॉपिक्स इस तरह के ये doable है और उन लोगों ने किए भी है, मतलब लोग करके आए और बड़े अच्छे तरीके से करके। अच्छा जनरली अगर देखा जाए तो ये इसमें टॉपिक सारे देखते हुए, पेपर के सारे जो बेसिकली 10 टॉपिक्स है उसको देखते हुए, आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को, किस तरह से उन अपनी प्रिपरेशन को जो है ना वो अलाइन करें इसके अकॉर्डिंग? सर मैं खुद मतलब 5-6 सेशंस मैंने ऐसे के किए हैं, उसमें सर जब राइटिंग की तरफ स्टूडेंट्स को लगाया जाता है ना, वो समझते हैं कि दिस मैन इज मिसलीडिंग अस, दे वांट रेडीमेड आउटलाइंस, रेडीमेड डेटा, कंटेंट पे उनके साथ बात करो, लेकिन अगर आप इसमें बात करें तो वो लोग पास होंगे जिनको स्ट्रक्चर जिनका ठीक था, ग्रामर ठीक थी, एंड 100% में नहीं, अगर किसी में 60% भी क्रिएटिविटी है ना वो निकल गया।
तो मेरे ख्याल से चेंज अप्रोच क्रिएटिव होना चाहिए, अप्रोच बदल लिया कि यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू राइट योरसेल्फ। सर गुलाम हुसैन आखिरी क्वेश्चन आपसे कि आप दो चीजें होती है, एक टेक्निक है एक स्टफ है, बेसिकली कंटेंट है, तो दोनों के हवाले से आप क्या एस्पायरर्स को रिकमेंड करेंगे? सर मैं अनस के बता रहा था ऑफ द रिकॉर्ड के मैंने 6 times CSS और PMS की मेरी लास्ट टाइम पे एलोकेशन हुई, 6 times आई हैव क्वालिफाइड द एसे एंड देन एवरी एसे माय अप्रोच वाज डिफरेंट। सर वो 6 वाली नहीं बतानी, नहीं 6 वाली नहीं बतानी, मैं नहीं बतानी, बच्चों को नहीं बतानी, वो बच्चे फिर समझेंगे कि सर मिसलीड कर रहे हैं। इन एवरी एसे माय अप्रोच वाज डिफरेंट, और अब इसमें क्या अप्रोच क्या डिफरेंट थी भाई, एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है आपने, आपके एसे का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर सेम है। मैं इसको बता रहा था कि अनस को कि इट्स अ गेम ऑफ वर्ड्स, हाउ यू ऑर्गेनाइज योर वर्ड्स एंड पोर्ट्रे योर पॉइंट ऑफ व्यू बिफोर द एग्जामिनर। एग्जामिनर को आप जिस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं आप करें, साफ सुथरी आउटलाइन हो, खूबसूरत लफाजी हो, आपके वर्ड्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज हो, कॉन्सेप्ट ऑर्डर में हो, और कंक्लूसिव जो कंक्लूजन आपका बड़ा जी बिल्कुल ये तो टेक्निक। अच्छा उसके बाद स्टफ की बात करते हैं। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि ड्यूरिंग माय एंटायर प्रिपरेशन आई हैव बीन द रेगुलर रीडर ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी मैं रेगुलर अखबार पढ़ता था। अखबार में बहुत सारे आर्टिकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको ऐसे मिल रहे होते हैं जो आपकी डायमेंशन ओपिनियन की चेंज कर देते हैं। क्यों कहते हैं जी मीडिया इज अ ओपिनियन माउल्डर ओपिनियन चेंजर, तो आपकी ओपिनियन और आपकी अप्रोच है ना वो अपग्रेड करने के लिए आपको न्यूज़पेपर से अटैच होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि बच्चे, मैं एक बच्चे से पूछता हूँ कि बच्चे क्या पढ़ रहे हो, कहता है सर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़ते हो, कहता कोर्स किताबें उसके अलावा वो कुछ भी नहीं पढ़ते यार, कोई नॉवल पढ़े आप, ठीक है कोई बेस्ट सेलर पब्लिक पॉलिसी के ऊपर पढ़े Magazines, आप कोई मैगजीन अच्छे मैगजीन्स पढ़ें, आप अपने जो उस स्टफ को जो आप सिलेबस के ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं उसको आप सेकंड करें अपनी दूसरी अप्रोचेस से, दूसरे स्टफ से, उससे ये होगा कि आपकी ओपिनियन चेंज होगी और आपके स्टफ में न्यूनेस आएगी, कंटेंट अच्छा, दैट इज द क्रिएटिविटी आई एम टॉकिंग अबाउट। सर कंटेंट पे एक चीज मैं ऐड करूंगा कि कंटेंट की बात करते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे के लिए डेटा इकट्ठा कहाँ से करना है। तो 2019 की मैं एग्जैक्ट एग्जामिनर रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ कि 2019 की FPSC की एग्जामिनर रिपोर्ट करें, उसका आखिरी जुमला है, उसके आखिरी जुमले में वो कह देता है कि स्टूडेंट्स शुड रीड आपका कोई भी एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर और कोई रिसर्च आर्टिकल्स आप पढ़े। अब ये कंटेंट का आपकी जो है ना वो सोर्स है और बाकी ये क्रिएटिविटी है कि हाउ टू वही आपकी बात के वर्ड्स आपने मोल्ड करने हैं टुवर्ड्स योर पर्टिकुलर जो भी पूछा गया उस पे। सो एस्पायरेंट्स आपने ये जाना अब दो मेंटोर्स के ओपिनियंस आपके सामने, अब यहाँ पे कुछ एस्पायरेंट्स होते हैं वो बड़े वो ट्रॉलिंग मोड में होते हैं कि जो एकेडमीज ने ये वीडियोस बनाई हैं सो पर्पस बिहाइंड, तो अब इसमें पर्पस यही है कि जो लोग FPSC को एडिट करते हैं या जो लोग अपनी शॉर्टकमिंग्स को ट्रेस आउट नहीं करते कि व्हाट दे आर डूइंग, सो उस हवाले से मैं एक सिंपल सी चीज़ है कि इट्स ऑल अबाउट रियलिटी बट रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट एंड वॉट एग्जिस्ट इट इज ऑल अबाउट योर इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन आपकी है वो आपकी ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है, आपके बैकअप पे बेस करती है कि आप कितने जो है ना वो एनलाइटेंड हैं या कितने जो है एनरिच्ड विद नॉलेज हैं। तो नॉलेज आपका अगर एनरिच्ड है, आप अच्छे सोर्सेज से उसको प्रिपेयर कर रहे हो, क्रिएटिव हो, जो टेक्निक्स जो बेसिकली पैरामीटर्स आपसे FPSC डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली क्लिक करोगे। और सर मैं लास्ट में ही जो वीडियो है इसका मैं एंड पे एक सेंटेंस बोलूंगा जो कि आज के पेपर की पूरी कहानी है, वो ये है कि इट वॉज बेसिकली अ टसल बिटवीन व्हाट वॉज आस्क्ड एंड व्हाट कैंडिडेट्स न्यू, ठीक है, तो ये उसकी टसल थी, जिसने उसको जो पूछा था उसका जवाब दे दिया वो निकल गया, जिसने वो लिखा जो उसको आता था तो रिजल्ट इंशाल्लाह वो बता दे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।